शासन के निर्देश पर आवश्यक वस्तुओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति देने के बाद एडीएम एफआर के कार्यालय पर पास बनवाने वालों की संख्या बढ़ गई है, जिसके लिए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोमवार को एडीएम एफआर ने लोगों से अपील की कि कार्यालय पर भीड़ न लगाएं, सभी लोग ई पास के लिए अप्लाई करें, आवश्यकतानुसार सभी आवेदकों का पास जारी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, अरे नहीं रोकी, वहीं से रहो, जनपद में सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस चलेंगी, कोई आदमी यहाँ पास बनवाने क्यों आएगा? एम्बुलेंस है वो कहीं से कहीं मरीज लेकर के जब बाहर आएगी तब उसको रोका जा रहा है कि मरीज को लेकर, हाँ तो ले जाइए एम्बुलेंस ले जाइए, कोई वहाँ से जहाँ से आपको एम्बुलेंस पेशेंट, हाँ आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपको मैंने ऑनलाइन कर दिया। सर बाहर के लिए नहीं पास होना है, कहाँ के लिए? उड़ीसा से लड़का हमारा है, अभी लाने का पास नहीं, हम उड़ीसा से ला नहीं रहे, यहाँ से लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है? आप कोई और रह के आई खड़े मीटर खड़े रहेंगे, दो मीटर शारीरिक दूरी बनाइए, हाँ बताइए आपको क्या काम। जनपद में अंतर जनपदीय एक जनपद से दूसरे जनपद जाने के लिए या जनपद के अंदर जो मूवमेंट है उसके लिए एक हमारा यूपी गवर्नमेंट का ही ऑनलाइन ई पास सिस्टम है। हमारे जनपद में अब तक लगभग 63,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो जिनको किसी अन्य जनपद को जाना है वो एडीएम स्तर का अधिकारी उसका अनुमोदन कर रहा है, और जिसको जनपद के अंदर ही मूवमेंट करना है उसको एसडीएम स्तर का अधिकारी अनुमोदन कर रहा है, और ये व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है। इसके अतिरिक्त हमारे अपने जनपद में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य प्रदेश का है और उनके पास यदि अपना स्वयं का वाहन है, ऐसे लोगों को हमने पास जारी कर दिया है, और अब तक हमारे जनपद से 917 लोग अन्य प्रदेशों के लिए चले गए हैं। अब अन्य प्रदेशों के हमारे यहाँ बहुत कम संख्या है, हो सकता है 200-400 लोगों की संख्या और हो। मेरा यही अनुरोध है कि यदि किसी को अन्य जनपद जाना है तो वो हमारे यहाँ पास के लिए अप्लाई कर दे, हम उसको पास दे दे रहे हैं और अन्य जनपद अपने अन्य प्रदेश अपने घर जा सकता है। वो बाहर से जो भी आना चाहेगा, जो MHA की गाइडलाइन है, प्रत्येक स्टेट प्रत्येक जनपद अपने यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों के लिए पास जारी कर रहा है, हम उनको बाहर से आने का पास नहीं जारी कर सकते हैं, यहाँ से जाने का पास जारी कर सकते हैं। ऐसे सभी लोग जो बाहर से आना चाहते हैं, मेरा उनसे अपील है, अनुरोध है कि वो अपने जनपद में जैसे मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ वैसे वहाँ प्रशासन कार्य कर रहा होगा, वहाँ से पास जारी कराएं और गोरखपुर आएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब बेवजह लोग घूम रहे हैं, पास का चक्कर लगाने, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि लोग बेवजह ना घूमें, फोर्स की भी व्यवस्था की जा रही है। वास्तव में लोग थोड़ा सा परेशान है, उनको लगता है कि शायद यहाँ आने पर कोई रिलीफ मिल जाएगी, तो उनको बात करके और संतुष्ट करके वापस घर भेजा जा रहा है।